हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मैं आज बना रही हूँ पापड़। मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ यही रेसिपी शेयर कर देती हूँ। थोड़े से ही बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा थोड़े से, मतलब बोले तो जो एक चाय का कप होता है ना, उसके चाय कप से मैंने एक कप आटा लिया था, चावल का आटा। तो उसी का मैंने देखिए आटा बनाया, बहुत सिंपल सा ही आटा मैंने बनाया था। यह है कि मैं पूरा डिटेल मैंने शेयर कर पाई, पर नेक्स्ट बार जब बनाऊंगी तो ज़रूर से शेयर करूंगी। और आप देख रहे होंगे मेरे पापड़ कितने अच्छे बन रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं फट रहे हैं और बहुत पतले और बहुत अच्छे बन रहे हैं। ये और भी पतले बनते हैं पर मैंने आलस कर दिया है एक कारण की वजह से। जिसमें मैं पापड़ बनाती हूँ ना, वो वाले पटे मतलब पता नहीं कहाँ रख दिए मैंने, बहुत काफ़ी महीने हो गए हैं तो वो पटे यूज में नहीं आए हैं। तो फिर मैंने ना उसको निकालने में आलस कर दिए हैं। तो वो वाले पटे में मैं बनाती ना तो और ज़्यादा पतले बनते। वैसे ये उतने ही पतले बन रहे हैं जितने हमें चाहिए हैं। ऐसा नहीं कि रोटी और पूड़ी की तरह बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा पतले। तो बेलन तो मिल गया रहा पापड़ वाला। तो देखिए यहाँ पर मैंने बेलन निकाल लिया और फिर यहाँ पर मैं सोचा थोड़े से बना लेती हूँ। बहुत दिन हो गए थे पापड़ नहीं बनाए थे ना, तो इच्छा हो रही थी, तो थोड़े से ही बने हैं। जितनी लोइयाँ दिख रही ना, बस इतनी। और मैं यही बना रही हूँ, बाहर नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा यहीं पर बेल बेल के यहाँ पर रख लेती हूँ और ऊपर जाकर मैं ऊपर छत में जाकर पलंग पे डाल दूँगी ताकि ये सूख जाएंगे। और कैसे लग रहे हैं आप लोगों को देखिए मेरे पापड़। सिंपल से मैंने बहुत सिंपल से बनाए हैं। थोड़ा सा इसमें मैंने ज़ीरा और नमक डाला था बस, और कुछ भी नहीं डाला इसमें, किसी चीज़ का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, सिंपल सा ही मैंने बनाए हैं। और देखिए कितने गोल गोल पापड़ बन के तैयार हो गए हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी फ्रेंड्स सुबह के 10 बज गए हैं। आज ना संडे वाला दिन है, वीकेंड वाला, पर आज ना कार्तिक की ट्यूशन जो है ना वो चालू है, क्योंकि उसके एग्जाम चल रहा है ना। तो इस बार है ना 2 वीक हो गए हैं, 2 संडे, वो दोनों संडे की ट्यूशन ना चालू थी। तो अभी ये है ना ट्यूशन जाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए मैं ना फटाफट से नाश्ता बना रही हूँ। और आज थोड़ा सा लेट ही उठे हैं, कार्तिक झूठा है, आज संडे है ना, तो बन रहा है पोहा। पोहा का नाश्ता बन रहा है। यहाँ देखिए पोहा मैंने भिगो दिया है और उसके लिए मैं थोड़ी सी सब्जी काट रही हूँ, सब्जी में मैं डाल रही हूँ प्याज ली है मैंने और आलू और हरी मिर्च, इसी को मैं चॉप कर रही हूँ। कार्तिक अपना रेडी हो रहा है। कल रात में मैंने वो भी भिगोया था दाल चावल, और इस बार कुछ और बनाऊंगी। अभी हम लोगों ने 2 दिन ना लगातार, एक दिन छोड़ के एक दिन इडली खाई थी, दूसरे दिन डोसे खाए थे, और अब कुछ और बनाएंगे क्योंकि इस बार बैटर थोड़ा कम ही बोल रहे हैं। इतना मैंने डालना, ज़्यादा नहीं डालना, और दोनों चीज़ साथ में मिक्स कर दिए, दाल चावल। इसको पीस के भी रखना है अभी, तो पीस के रख दूंगी। किचन में मेरा कोई काम नहीं है, सारा काम मैंने कल रात में ही ना कर दिया था। और सब्जी भी कल रात में ना सब्जी भी लेकर आई थी ना, सब धुल के और मैंने सब पोछ के अच्छे से रात को ना जमा भी दी है। तो कल का काम, आज का काम भी मैंने कल ही खत्म कर दिया है, इसीलिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है। अभी बस नाश्ता बनाना है फटाफट से, और फिर उसके बाद घर के थोड़े बहुत जो काम है वो करूँगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, मैं नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ और
यहाँ पर मैं कुछ सब्जियों को जो है ना वो चॉप कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कार्तिक के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो अभी संडे हो गए हैं। अभी उसकी जो ट्यूशन है ना चालू रहती है, पर संडे वाली जो ट्यूशन रहती है ना वो मॉर्निंग में रहती है उसकी, बाकी तो इवनिंग टाइम में रहती है। और इसीलिए है ना अभी जोरों शोरों से जो है ना उसकी पढ़ाई चल रही है, और एक दिन के अंतराल में उसके एग्ज़ाम हैं। तो इस बार नहीं, ये वाला तो दो बार में पढ़ गया है, दो उसके जो गैप है ना वो पढ़ गए हैं, सैटरडे और संडे को, पर कल उसका एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें मैंने निकाल कर रख ली हैं, जो जो कल का थोड़ा बहुत खाना बचा था वो बाहर रख दिया है यहाँ फ्रिज में, फ्रिज से निकाल कर, और दूध भी रखा है यहाँ पर अभी गर्म करके। और बस फटाफट से मैं नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि उसके जाने का भी टाइम हो रहा है। और आजकल तो हमारे यहाँ ये है कि अभी संडे को ना एकदम मतलब संडे को पोहा वाला डे हो गया है, तो अक्सर संडे को आजकल हमारे यहाँ पोहे का नाश्ता ही होने लगा है। तो अब मैं बीच में कभी नहीं बनाती हूँ, सिर्फ हफ्ते बनाती हूँ, और कुछ भी चीज़ें जो है ना वो बन जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने पोहे को बहुत अच्छे से इसको धो लिया था, एक दो पानी से मैं पूरा अच्छे से इसको धो लेती हूँ, ताकि जितनी भी गंदगी पाउडर जो भी लगा रहता है ना तो वो अच्छे से निकल जाता है। और यहाँ पर बस आज मैं कुछ ज़्यादा सब्ज़ियाँ नहीं डाल रही हूँ जैसे कि मैंने बताया, और मैं ज़्यादा सब्ज़ियाँ आज लेकर भी नहीं आई, वो कल ना नहीं लाई थी, मटर वगैरह और गोभी कुछ भी नहीं लाई थी। तो सब्ज़ियाँ क्योंकि वैसे ही बहुत सारी रखी थी ना, कुछ कुछ बैंगन वगैरह ऐसी, तो जो इसमें डालने लायक नहीं थी वो सब्ज़ियाँ नहीं थी, इसलिए मैं सिंपल सा ही बना रही हूँ। और कार्तिक और मैं बस खाने वाले हैं आज पोहा। तो यहाँ पर मैंने आलू और प्याज और हरी मिर्च जो है वो यहाँ पर, सबसे पहले मैंने मूंगफली को अच्छे से फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा राई और जीरा डाल दिया था, और उसके बाद मैंने इसमें मूंगफली डालकर थोड़ा सा फ्राई किया, और फिर ये मैंने प्याज हरी मिर्च डाल दी थी। तो मैंने मूंगफली नहीं निकाली थी क्योंकि मैंने कम ही उसको फ्राई करी थी, ताकि जब प्याज और मिर्च भुने ना तब उसमें मूंगफली भी भुन जाएगी। और यहाँ बस फटाफट से जो है ना पोहा बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत इजी है, हेल्दी है, और इसमें क्या रेसिपी बताना, बस ये है कि जो भी होता है मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से, अच्छा लगता है। और मेरा रूटीन जो है मोस्टली सुबह का ही ज़्यादातर रहता है, बाकी तो फिर दिन भर ऐसा है कि निकल जाता है कुछ ना कुछ काम में, तो काम तो दिन भर रहते हैं, काम फिर कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, दिन भर चलते रहते हैं, तो सेम वही काम रहता है ना, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार नहीं दिखाती, फिर आप लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि फिर कमेंट्स भी आते हैं कि आप वही डेली जो है वो बताते हो, तो इसलिए सिंपल सा ही मैं जो है ना मुझे समझ आता है, मैं कर लेती हूँ, और फिर टाइम भी कमी रहती है मेरे पास, इस वजह से ना थोड़ी सी ये अभी मैं उतनी मतलब अच्छे से जो है ना वीडियो नहीं कर पा रही थी शेयर, पर आई होप कि मैं अब ना कोशिश करूँगी कि डेली आप लोगों के साथ जो है चैनल पर बनी रहूँ, और डेली ब्लॉग्स अच्छे अच्छे अब शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए नाश्ता रेडी हो गया है, फटाफट से कार्तिक को देते हैं, क्योंकि कार्तिक वेट कर रहा है कब से कि मम्मी जल्दी से दे दो, क्योंकि उसको जाना है, तो टेबल पे बैठा है। और चलिए फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, बहुत छोटा सा ब्लॉग था, और थोड़ी बहुत कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, कुछ ज़्यादा तो नहीं शेयर कर पाई, पर आई होप कि थोड़ा बहुत मैंने मेहनत करी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।